डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए मैथ सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है, हम लोग एनसीईआरटी बुक से जो एक्सरसाइज चल रहे थे वो एक्सरसाइज था 6.2, जिसमें हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन के आधार पे या बोले तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ रहे थे। उसमें भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा था, वैसे ही नंबर पे क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे किताब से, बुक से। तो 6.2 एक्सरसाइज में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो छठा का टोटल 5 सवाल था, उसमें से हमने एक सवाल बताया हुआ था और बाकी का 4 क्वेश्चंस दिए हुए थे बनाने के लिए, तो जिसमें कुछ लोग बनाए हैं और कुछ लोग उसे नहीं बनाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, छठा के बी नंबर सवाल तक से आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है जरा फिर से पढ़ देते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो बी नंबर सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, गिवन एफ एक्स का जो वैल्यू है वो 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब ये सवाल हमें दिया हुआ है और बोल क्या रहा है कि आप इंटरवल निकालो, आप क्या करो इंटरवल निकालो किसके किसके लिए, तो एस आई के लिए कितना होगा ये निकालो और एस डी के लिए कितना होगा ये निकालो। यानी कि कुल मिलाकर इसमें हम बताए भी थे कि टोटल छठा के जितने भी सवाल है सब में एफ एक्स का वैल्यू दिया है, इंटरवल निकालना है, किसके किसके लिए इंटरवल निकालना है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहां के बाद से काम करते हैं कि कैसे हम लोग इन चीजों को सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहला बात आपको याद होना चाहिए कि हम लोग करेंगे फोर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसके लिए, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। तो जब कभी भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो फार्मूला क्या बनता है कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब एफ डैश एक्स कहां से निकालेंगे भाई, तो जो एफ एक्स दिया हुआ है आप इनका एफ डैश एक्स निकालिए। तो एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स का मतलब हुआ कि दिया गया जो चीज है उसका डिफरेंशिएशन। तो 10 का डिफरेंशिएशन कितना 0, माइनस 6x का डिफरेंशिएशन कितना, तो माइनस 6 कॉन्स्टेंट है तो 0 हम लिखते नहीं है, माइनस 6 और माइनस का माइनस, 2 जा 4 और x रहेगा तो 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इतना चीज करने के बाद हम लोगों को आगे वही चीजें करना होता है, जैसे कि यहां पे समीकरण में इक्वल रहता है ना, इक्वल टू 0, तो यहां पे उधर जाता है तो प्लस माइनस होता है, सभी चीजें यहां पे भी वैसे ही होंगी। तो उसके बाद जो हम लोग काम करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन तो हो गया, चलिए आगे देखते हैं आगे काम क्या करेंगे। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये नंबर है माइनस 6 और ये माइनस 6 जब उधर जाता है तो क्या हो जाता है प्लस 6, तो यहां बनेगा माइनस 4x, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि यहां पे क्या करेंगे, अब आप ये बोलेंगे कि सर माइनस 4 तो गुना में है तो आप तो इसको डिवाइड कर देंगे, हम बोले कि हाँ भाई डिवाइड करेंगे, लेकिन हम उसके लिए इनक्वालिटी का इंटरवल का रूल भी सिखाए हुए हैं। क्या सिखाए हुए है रूल, कि अगर कोई नंबर से निगेटिव नंबर से डिवाइड किया जाता है तो यहां पे इनक्वालिटी का साइन बदल जाता है, ठीक है। तो यहां पे अगर एक्स 6 बाय माइनस 4 कीजिएगा तो ये इधर बड़ा था ना, ये इधर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई माइनस वाला नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए इनक्वालिटी बदल जाता है। तो ये माइनस 4 था ना,
अगर ये प्लस में चार रहता तो सिर्फ साइन ऐसा ही रहता, लेकिन माइनस चार है तो ये गुना में था तो इधर गया तो भागा में बन गया, तो यहां पे x लेस देन इक्वल टू बन गया 6/-4। तो ये 6 और 4 कटा तो 3 और 2 बन गया, यानी इसलिए x का जो वैल्यू आया -3/2। तो अगर ऐसा सवाल होता x लेस देन a तो इसको कैसे लिखते हैं, माइनस इंफिनिटी से a, तो इसका सो इसका जो इंटरवल होगा माइनस इंफिनिटी से -3/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का एक आंसर आ चुका है, हालांकि छठा के जो क्वेश्चंस बोल रहा है वो अलग अलग आंसर आएगा, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। तो ये जो हम लोगों का आंसर आया है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए है। अब फिर नाउ, अब यहां पे लिखेंगे उसके नीचे नाउ, अब लिखिएगा फोर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, अब की बार लिखिएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या फार्मूला है भाई, ये तो रूल था इसको हम दिखा दिए हैं। इसका फार्मूला है कि आप यहां पे एफ डैश एक्स का वैल्यू छोटा, तो एफ डैश एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन करके यहां पे छोटा, यहां पे लिखता छोटा, लेकिन जैसे ही एक डिवाइड करते तो यहां पे साइन चेंज हो जाता, माइनस फोर से डिवाइड किए तो ऐसे के बजाय ऐसे हो जाता। तो अगर ऐसा रहता है एक्स के तरफ मुंह खुला हुआ होता है तो इसको कैसे लिखते हैं, ए से लेकर इन्फिनिटी तक, ऐसा रहता है तो ए से लेकर इन्फिनिटी तक। तो यहां पे अगर एक्स के तरफ मुंह खुला है तो पहले ए लिखते हैं तो -3/2 और इन्फिनिटी। तो ये आंसर हो गया छठा का बी नंबर सवाल का, यानी कि छठा का ए पिछले दिन बताए थे और बी हम लोग आज डिस्कस किए। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कोई चीजें हार्ड नहीं है, बशर्ते हम उसको अच्छे से सीख पाए तो, और आप हम तो इसी में सुधार पा रहे हैं ना, आपको इसको अलग अलग करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए अलग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए अलग। छठा का जो सी क्वेश्चन है वो देखते हैं कि हमें क्या फंक्शन दिया हुआ है। तो इसमें लिखिएगा गिवेन जो एफ एक्स का वैल्यू है वो क्या है, तो छठा का सी नंबर देख लीजिए, सवाल क्या बोल रहा है कि -2x³ - 9x² फिर क्या दिया है -12x+1 एफ एक्स का वैल्यू दिया है। हम जैसा कि बताएं कि हम लोगों को एफ एक्स का वैल्यू देगा और सवाल पूछेगा कि आप इंटरवल निकालो, तो इंटरवल निकालेंगे तो जरूर, लेकिन किसके किसके लिए, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। तो यहां पे हमको इंटरवल निकालना है तो स्टार्ट करते हैं किसके लिए, सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप पहले स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भी निकाल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम निकाल रहे हैं फोर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए करेंगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का फॉर्मूला क्या है भाई, तो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ा। अब एफ डैश एक्स का मतलब क्या कि जो दिया गया फंक्शन है उसको डिफरेंशिएशन करो, तो जो दिया गया फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करना है तो -2x³ है तो इसका कितना हो जाएगा, तो -3×6x² फिर यहां माइनस तो माइनस, 9×9 = 18 पावर एक्स दो है तो एक घट जाएगा सिर्फ x बचेगा, माइनस माइनस 12x का डिफरेंशिएशन 12, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 को नहीं लिखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप यहां से देखिए तो क्या कॉमन हो रहा है यहां पे, तो यहां पे कॉमन आप देख पा रहे होंगे -6 कॉमन हो रहा है तो -6 कॉमन कर लीजिए। तो -6 को अगर कॉमन करेंगे तो यहां कितना बचेगा x², यहां पे कितना बचेगा तो 3x, ठीक है, हाँ माइनस प्लस माइनस
सिक्स थ्री जा 18x और यहां माइनस है तो यहां पे पहले बनेगा प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हम लोग क्या करते हैं यहां पे जो चीजें होती है उसको डिवाइड कर देते हैं तो यहां पे क्या है माइनस छ है तो अगर माइनस छ को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा तो यहां पे माइनस माइनस तो ना डिवाइड करे हैं तो हम लोग सीखे हैं ना रूल कि कोई भी इनइक्वालिटी रहे अगर माइनस से गुना या भागा करते हैं तो उसका साइन जो है पलट जाता है पहले से जैसा रहेगा वो उल्टा हो जाएगा उसका यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू ये इधर बड़ा है तो अब इधर हो जाएगा सिक्स बट्टा जीरो बट्टा माइनस सिक्स ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे क्या बन रहा तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू जीरो क्योंकि जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं तो जीरो बनता है ठीक है। अब आप इसको गुणनखंड भी तोड़ सकते हैं गुणनखंड तोड़ेंगे दो रूप में तो कितना कितना बनेगा जरा देख लेते हैं तो यहां जो बनेगा वो एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स 3x कब आएगा जब दो और एक को जोड़ेंगे यहां पे कितना हो जाएगा प्लस टू लेस देन जीरो। अब इसको गुणनखंड के रूप में लाएंगे क्यों लाएंगे क्योंकि हम लोगों का फार्मूला गुणनखंड के रूप में होता है याद है ना x माइनस ए x माइनस बी जीरो से छोटा होता है तो क्या होता है x माइनस ए x माइनस बी जब जीरो से बड़ा होता है तो क्या होता है तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे एक्स स्क्वायर और टू एक्स में क्या कॉमन है एक्स स्क्वायर और टू एक्स में एक्स कॉमन है तो यहां से हम एक्स को कॉमन कर लिए तो कितना बचा है यहां पे एक्स प्लस टू ठीक है। अब यहां से कितना कॉमन करेंगे यहां पे तो वन अगर कॉमन कर लेते हैं तो यहां पे बन रहा है एक्स प्लस टू और इक्वल टू जीरो लेस देन जीरो ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई गुणनखंड में इसको कैसे लिख सकते हैं एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन जीरो से छोटा साइन वही रहेगा। अब आप देखिए हम लोगों का फार्मूला क्या है किसके जैसा होता है तो फार्मूला होता है हम लोगों का देखिए एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी जब जीरो से छोटा होता है तब हम लोगों का फार्मूला होता है ध्यान दीजिएगा एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी अगर जीरो से छोटा होता है तब हम लोगों का फार्मूला होता है यानी कि अगर ऐसा फार्मूला होता है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं तो इसको जो हम लोग लिख सकते हैं ए से लेकर एक्स और बी लिखते हैं ऐसे ही ना लिखते हैं तो यहां पे तो माइनस नहीं है भाई तो माइनस नहीं है तो आप इसको क्या करिए माइनस बनाइए यानी इसको एक्स का एक्स लिखिए इस प्लस टू को माइनस माइनस टू लिखिए ठीक हो गया। अब तो बन गया ना एक्स माइनस ए ए के जगह तो बन गया माइनस टू ये इसको भी माइनस में होना चाहिए तो इसको भी बना लीजिए एक्स माइनस माइनस वन। ऐसा करने का क्या फायदा कि रूल पे आ जाएगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी रूल पे लाने के लिए इसको प्लस को हम लोग तोड़ दिए जीरो से छोटा। अब तो आ गया ना भाई क्या आ गया ये हो गया आपका ए का मान एक्स माइनस ए मैंने माइनस टू और बी का वैल्यू हो गया माइनस एक्स माइनस वन। तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी फार्मूला होता तो ऐसा लिखते ए का मान तब ऐसा साइन फिर एक्स फिर ऐसा साइन बी तो यहां पे हम लोग कैसा लिख सकते हैं इसलिए लिख सकते हैं ए का वैल्यू माइनस टू फिर एक्स फिर माइनस वन। और जब अगर ऐसा रहता तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सो माइनस टू से लेकर माइनस वन और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा ठीक है। अब जरा हम लोग चलते हैं ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम लोगों का आंसर आया देख पा रहे हैं ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आंसर आया क्योंकि अब हम लोगों को क्या बोल रहे सवाल में कि आप दोनों के लिए आंसर निकालो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
और एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो दोनों ही के लिए हमें यहाँ पे आंसर करना होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो हम लोगों का वैल्यू आ चुका है, अब इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो अब लिखेंगे नाउ, यहां पे हम चेंज करते चलेंगे और आप इसमें चेंज नहीं कीजिएगा, आप उसके नीचे बनाइएगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जगह पे यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां हो गया डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग हो गया तब यहां पे फार्मूला चेंज, एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा, तो एफ डैश एक्स का मैंने क्या एक बार डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन किया तो वही आया, डिफरेंशिएशन किया तो वही आया। अब इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो से छोटा होना चाहिए, तो इसका भी वैल्यू वही का वही रह गया, जीरो से छोटा। लेकिन भाई आप देखो हम क्या किए, माइनस सिक्स से उधर गया, यानी कि डिवाइड तो किए लेकिन माइनस वाला नंबर से किए, तब ये वैल्यू जो है ना पहले से जो था उसका पलट जाएगा। हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप या डिवाइड कर रहे हो, अगर वो माइनस का नंबर है तो वो इनक्वालिटी का जो साइन है वो बदल जाता है, पहले ऐसे ऐसे था अब ऐसे हो गया। तो यहाँ पे अब इसका वैल्यू हो गया ना, तो यहाँ पे अब हम लोग ऐसे करते चले गए, ठीक है, सब चीज वही किए, सिर्फ साइन में चेंजिंग कर दी है, साइन में चेंजिंग कर दी है। तो अब आप याद कीजिए कि जब अगर x माइनस ए और x माइनस बी जीरो से बड़ा होता है तब कैसा फार्मूला होता है, x माइनस ए और x माइनस बी अगर जीरो से बड़ा होता है तब कैसा फार्मूला होता है। तो इसमें हम लोग वो फार्मूला पढ़े थे, पहले दिखा देते हैं कि अगर x माइनस ए x माइनस बी जब जीरो से बड़ा होता है तब ये हो जाता है कैसा, तो x माइनस ए एंड एंड यहां हो जाता है माइनस बी एक्स, ऐसा हो जाता है, ठीक है, ऐसा होता है, देख पा रहे होंगे एक्स फिर छोटा का चिन्ह माइनस ए नहीं सॉरी ए ए, तो ए की जगह पे तो यहां माइनस टू है ना, एंड बी का वैल्यू एक्स से बड़ा। तो हम लोगों का यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, तो इसके जगह पे हम लोग ऐसा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे जरा दिखाते हैं। इसलिए x छोटा a, तो a का मान कितना माइनस टू, एंड b, तो b का वैल्यू कितना माइनस वन, फिर बड़ा का चिन्ह x, ठीक है। तो कुल मिलाकर अब हम लोगों को जो ऐसा चीजें आ रहा है, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस टू तक के, क्योंकि एक्स के तरफ क्या है छोटा है, तो जब एक्स के तरफ छोटा होता है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एंड यहां लिख सकते हैं माइनस वन से लेकर इंफिनिटी तक। तो हम लोगों का ये आंसर हो जाएगा किसके लिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। तो इस तरीके से हम लोग छठा के सी वाला सवाल को अच्छे से सॉल्यूशन किए। अब आइए देखते हैं छठा के डी नंबर सवाल को। तो अगला क्वेश्चन है सिक्स का डी नंबर, इसमें क्या बोल रहा है कि गिवन है भाई, क्या गिवन है, तो एफ एक्स का वैल्यू दिया है कितना, तो सिक्स माइनस नाइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सिक्स माइनस नाइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब सवाल क्या बोल रहा है कि आप इंटरवल निकालो, इंटरवल निकालो किसके किसके लिए, तो दोनों ही चीज निकालना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग काम करते हैं फोर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग में क्या होता है फार्मूला, एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा होता है। तो अब एफ डैश एक्स का मतलब क्या, एफ डैश एक्स का मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो छह का तो जीरो और माइनस नाइन एक्स का बनेगा सिर्फ माइनस नाइन और माइनस एक्स स्क्वायर का बनेगा टू एक्स ग्रेटर देन जीरो। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों ये माइनस है उधर जाता है तो
प्लस, तो यहां हो जाएगा माइनस टू एक्स, उधर गया प्लस। अब एक्स के बगल में क्या है, माइनस टू, तो माइनस टू तो गुना में है, अब इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा ना, लेकिन भागा में तो हो जाएगा, ये सही है, नौ भागा माइनस टू। तो हम आप किससे भाग दे रहे हैं, आप माइनस से ना, तो साइन जो है पलट जाएगा इधर की ओर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इन बात को, जब ऐसा हो गया तब हम लोग कैसे लिखते हैं, जब एक्स के तरफ छोटा रहता है तो हम लोग माइनस इन्फिनिटी लगाते हैं और माइनस नाइन बाई टू। तो इसका जो आंसर होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस नाइन बाई टू तक होगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा किसके लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। अब हम लोग इसी में चेंज करते हैं, नाउ उसके नीचे फोर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बजाय इस बार डिक्रीजिंग करते हैं, तो डिक्रीजिंग में फॉर्मूला क्या होगा कि एफ डैश एक्स का वैल्यू डिक्रीजिंग के लिए सिर्फ छोटा होता है। तो एफ डैश एक्स का मैंने एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया, इस बार छोटा का चेंज दे दिया, उधर गया तब भी वही रहेगा, लेकिन जैसे ही यहां पे भागा कर रहे हैं माइनस वाले वैल्यू से, माइनस वाला से भाग कर रहे हैं, तो साइन जो है पलट जाएगा, यानी कि ऐसे। और जब ऐसे हो गया तब इसके लिए क्या आंसर आएगा कि अगर एक्स के तरफ मुंह खुला हुआ होता है तो ये बन जाता है माइनस नाइन बाई टू से लेकर इन्फिनिटी तक आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा हम लोग सीखे है ना कि एक्स के तरफ बड़ा रहेगा और यहां को कोई ए रहेगा, ये मतलब कांस्टेंट, तब हम लोग इस सिचुएशन में आंसर करते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ई। ई में क्या फंक्शन दिया है और इसका हम लोग यूज कैसे करें, ठीक है। तो ई नंबर सवाल क्या दिया है, छठा का, x प्लस वन का क्यू x माइनस थ्री का क्यू, x प्लस वन का क्यू x माइनस थ्री का क्यू, यानी गिवन एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया, तो x प्लस वन का क्यूब इंटू x माइनस थ्री का क्यूब। फिर से निकाल लेते हैं सवाल, हाँ जी बिल्कुल, x प्लस वन का क्यूब माइनस x माइनस थ्री का क्यूब। आप देख पा रहे होंगे कि एफ एक्स का वैल्यू इतना बड़ा है। अब इसका तो सबसे पहले हम लोग ऐसा काम कर लेते हैं, इंटीग्रेशन सॉरी एफ डैश एक्स, यानी कि पहला बार इसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो एफ डैश एक्स होगा ना वो उतना छोटा है नहीं कि एक ही बार में हम लोग काम कर सकते हैं। तो यहां पे आप लिखिएगा, हियर यहां पे आप एफ एक्स का जो वैल्यू दिया है आप यहां से एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, किसका वैल्यू निकाल लीजिए, एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स का मतलब सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकाल लीजिए और फिर चेक कर लेंगे कि किसमें जीरो से बड़ा वैल्यू है, किसमें जीरो से छोटा वैल्यू है। तो इसका जब एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा तो यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाना होगा, इतना को मानना होगा यू और इतना को मानना पड़ेगा भी। तो u को बाहर निकालो, x प्लस वन का क्यूब, v का डिफरेंशिएशन x माइनस थ्री का क्यूब बटा dx, प्लस v को बाहर करो x माइनस थ्री का क्यूब इंटू u का डिफरेंशिएशन x प्लस वन का क्यूब बटा में dx, ठीक है। अब चीजों को यहां से देखिए तो क्या बन पा रहा है, क्योंकि स्पेस नहीं है तो यहां से शुरू कर रहे हैं, एक्स प्लस वन का क्यूब, ठीक है, तो बाहर है भाई, कोई लेना देना नहीं है। अब एक्स माइनस थ्री का क्यूब है तो इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स माइनस थ्री का चूंकि क्यूब है तो इसको हम लोग एक्स माइनस थ्री के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि जिसके पावर रहता है आधार के रिस्पेक्ट में करते हैं। जैसे आप देखो डी एक्स के पावर एन का जो डिफरेंशिएशन है वो किसके रिस्पेक्ट में करते हैं,
एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, क्यों? क्योंकि आधार यहाँ एक्स है, तो यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। उसी तरीके से यहाँ आधार क्या है, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री बट्टा में डी एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री का क्यूब, एक्स माइनस थ्री का क्यूब। अब यहाँ पे एक्स प्लस वन का क्यूब का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन करना है, तो डी एक्स प्लस वन का क्यूब को किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स प्लस वन, क्योंकि आधार एक्स प्लस वन है तो एक्स प्लस वन के रिस्पेक्ट में, और एक्स प्लस वन ऊपर जाएगा तो एक्स प्लस वन और बटा में डी एक्स। तो इसका कुल मिलाकर एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आ रहा है कुछ इस तरीके से, एक्स प्लस वन का क्यूब इंटू, यहां पे तो पावर थ्री है ना, तो जब भी पावर थ्री होता है तो पहले निकल जाता है, थ्री हो गया और अब हो जाएगा एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन तो वन और थ्री का जीरो, तो वन में से जीरो हो गया वन, तो वन यहां से मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्लस एक्स माइनस थ्री का क्यूब इंटू एक्स प्लस वन के पावर थ्री है और बट्टा में एक्स प्लस वन है, तो पावर वाला पहले आ जाता है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू, इसका देख पा रहे होंगे कि कितना आ रहा है, तो वन आएगा ना, क्योंकि x का इंटीग्रेशन 1 और 1 का 0 कांस्टेंट है, तो 1 में 0 जोड़ेंगे वही रहेगा। तो कुल मिलाकर हमें ये डिफरेंशिएशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है जरा बात कर लेते हैं, ये चीजें मिल रहा है। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है, 3 कर लिया, x प्लस वन का क्यूब है, यहाँ x प्लस वन का स्क्वायर है, तो x प्लस वन का स्क्वायर को कॉमन कर लिया, x माइनस थ्री का स्क्वायर है, यहाँ x माइनस थ्री का क्यूब है, तो यहाँ x माइनस थ्री का स्क्वायर को भी कॉमन कर लिया। तो जब ये चीजें यहां से कॉमन होगा तो तीन भी कॉमन हो गया, x प्लस वन का स्क्वायर कॉमन हुआ, यहाँ पे तीन हुआ है तो दो को कॉमन हुआ, तो एक को बचेगा x प्लस वन, ठीक है, और x माइनस थ्री का स्क्वायर तो कॉमन हो गया, उसी तरीके से तीन कॉमन हो गया, x प्लस वन का स्क्वायर कॉमन हो गया, यहां पे देख पा रहे होंगे x माइनस थ्री तीन बार है जबकि दो बार कॉमन निकाले, तो एक बार तो बचेगा x माइनस थ्री। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहां हियर उसके नीचे आप लिखते चलिएगा, क्योंकि यहां पे डिफरेंशिएशन करना बड़ा टफ था, इसलिए हम लोग पहले एफ डैश एक्स का वैल्यू निकाल लिए है। हियर यहां एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आया क्या आया, थ्री एक्स प्लस वन का स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, एक्स एक्स मिलके कितना एक्स हुआ, टू एक्स, और वन माइनस थ्री कितना बन गया, माइनस टू, ठीक है। अच्छा एक चीज और हम लोग यहां से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और ये भी तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये 2x माइनस टू है, तो 2 को अगर बाहर निकालेंगे तो 3 टू जा कितना 6, यहां हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर, यहां बन जाएगा x माइनस वन, क्यों, क्योंकि यहां से जो है ना x हम लोग कॉमन कर लिए, सॉरी 2 कॉमन कर लिए हैं, तो 2 को कॉमन कर लिए तो बाहर हो गया 3 टू जा 6, ऐसा कुछ बच रहा है। अब आपको तो प्रॉब्लम हो गया भाई कि अब इसको इसमें से जो जो वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा तब हम उसको बोलेंगे क्या, हम उसको बोलेंगे कि इंक्रीजिंग होगा, यानी कि इंक्रीजिंग के लिए क्या फॉर्मूला है, एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, यही ना, और ये चूंकि तो अभी तो हम लोगों का आ चुका है एफ डैश एक्स का वैल्यू, क्या आ गया है एफ डैश एक्स, तो 6 एक्स प्लस वन का स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, एक्स माइनस वन, ये आ चुका है,
इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको अलग अलग चीजें करनी है। कौन कौन सा चीज है भाई? तो वही चीजें जो हम लोगों को बोला जा रहा है सवाल में। कौन कौन सा? तो अब हम लोग काम करेंगे फोर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या फॉर्मूला है, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब एफ डैश एक्स का मान तो ये आ चुका है, अगर इसको यहां पे रखिएगा तो ऐसा कोई फार्मूला है ही नहीं। ऐसा तो हम लोग इंटरवल में कोई फार्मूला नहीं पढ़े कि अगर ऐसा कुछ आए तो हम लोगों को क्या करना होगा। तो चलिए आज से एक नई चीज को सीखते हैं। अगर कोई चीज या कोई फैक्टर गुणनखंड के रूप में आए, किस रूप में आए? गुणनखंड के रूप में आए, बहुत सारा, दो से अधिक। जैसे मान लिया कि अगर एफ डैश एक्स एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर के टाइप का रहता तब हम लोग यहां पे रख लेते और फार्मूला पे उसे पुट कर लेते, लेकिन यहां दो से अधिक है। तो जब दो से अधिक है तब इसको क्रिटिकल पॉइंट से सॉल्व किया जाता है, क्रिटिकल पॉइंट से सॉल्व किया जाता है। अब उससे सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको एक नंबर लाइन खींचना होता है, उसके लिए एक नंबर लाइन खींचना होता है। और यहां पे इससे जो x के बाजू में यानी कि जो गुणनखंड है, गुणनखंड तोड़े हैं वो कितना पार्ट में तोड़े हैं, तो नंबर एक पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। ये पहला पार्ट कहलाएगा, ये दूसरा पार्ट कहलाएगा और ये तीसरा पार्ट कहलाएगा, ठीक है। तो पहला पार्ट में क्या है, x प्लस वन, दूसरा पार्ट में क्या है x माइनस थ्री, और तीसरे वाले पार्ट में क्या है x माइनस वन। अब इसके बगल में क्या है, प्लस वन, इसके बगल में क्या है प्लस वन, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा माइनस वन। इसका पॉइंट क्या होगा, प्लस के उल्टा हो जाएगा माइनस। ये दूसरा वाला गुणनखंड जो है एक्स किसके साथ है, माइनस थ्री के साथ, तो ये बन जाएगा प्लस में थ्री। अब ये तीसरा वाला जो गुणनखंड है एक्स किसके साथ है, तो माइनस वन के साथ, तो इसका पलट जाता है। दोस्तों इसी को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट वह पॉइंट होता है जो किसी भी गुणनखंड के साथ में एक्स के साथ रहता है। गुणनखंड तो है तीन, तीन गुणनखंड है इसका, नंबर वन टू थ्री, तीन तरह का है। अब एक्स के साथ प्लस वन है तो इसका उल्टा माइनस वन है, एक्स माइनस थ्री है तो माइनस थ्री का प्लस थ्री, एक्स माइनस वन है तो यहां पे प्लस वन। अब ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहां पे दो से ज्यादा गुणनखंड है, अगर दो रहता तब हम लोग रूल्स ऑफ इनक्वालिटीज में सीखे हुए हैं। तो यहां पे तीन तीन ठो है, तो तीन तीन ठो है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ लेते हैं। तो ऐसा करके ए माइनस वन थ्री वन, अब ये तीन पॉइंट मिल गया, तीन पॉइंट को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो सबसे बड़ा कौन है, तीन, तो सबसे बड़ा तीन तो इधर रहेगा कहीं, फिर उससे छोटा कौन है तो वन, तो इधर कहीं वन रख दीजिए, और सबसे छोटा क्या है माइनस वन। और जानते हैं संख्या रेखा में इधर इन्फिनिटी होता है और इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, होता है जी, बिल्कुल होता है। अब यहां से अब आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट तो समझ गए, यहां से अब आपको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा तभी ना आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। तो ये इसका देखिए, अब आप यहां पे कितना आपका डब्बा बन रहा है, तो एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा और चार डब्बा, ये चार डब्बा बन रहा है। अब क्या कीजिए, तो माइनस इन्फिनिटी का मतलब इसके इसके बीच में कितना कितना नंबर होगा, तो माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, इटीसी नंबर होगा इसके बीच में, समझ पा रहे होंगे ना। और इसके बीच में कितना होगा, तो इसके बीच में होगा
जीरो कहीं हो रहा होगा, 0.1, 0.2, माइनस 0.1, माइनस 0.2 हो रहा होगा इसके बीच में। अच्छा, इसके बीच में नंबर तो 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.9 ऐसा हो रहा होगा। और 3 से इंफिनिटी तक 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे हो रहा होगा। तो ये जो डब्बा बन रहा है, टोटल डब्बा कितना बन रहा है? 1, 2, 3, 4 डब्बा बन रहा है। अब इन चारों डब्बा का यूज कैसे करना है? सबसे पहले एक डब्बा का यूज करना है, एक डब्बा का यूज कर लिया, देन दूसरा डब्बा का यूज करना है, दूसरा डब्बा का यूज कर लिया, तीसरा, फिर चौथा। अब इसमें से आपको क्या करना है, माइनस एक से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक के बीच के नंबर कोई भी सोचना है। आप माइनस दो भी सोच सकते हैं, माइनस तीन भी सोच सकते हैं, माइनस चार भी सोच सकते हैं। हम सोच लिए माइनस दो यहां के बीच में। तो अब क्या करना है, एफ डैश एक्स का जो मान आया है इसमें माइनस दो रखना है एक्स के जगह पे। तो यहां माइनस दो रखेंगे तो माइनस दो प्लस एक का होल स्क्वायर, छह तो छह रहेगा ही रहेगा, फिर इंटू एक्स के जगह पे माइनस दो रखे है ना, तो माइनस दो माइनस तीन का होल स्क्वायर माइनस दो माइनस एक, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, छ माइनस दो और एक कितना, माइनस एक, माइनस एक का स्क्वायर एक, माइनस दो माइनस तीन माइनस पांच का स्क्वायर 25 इंटू यहां पे आ रहा है माइनस तीन। तो गुना करेंगे आप तो 25 छक्के कितना होता है, 25 छक्के कितना भी होता है सबको गुना करेंगे तो माइनस में ना कुछ आएगा। तो इसलिए हमको पता चला कि यहां से यहां किसमें आया तो माइनस वैल्यू आया, ठीक है। यानी कि एक डब्बा में आपका माइनस आया, क्यों? क्योंकि हमने चेक किया इसके और इसके बीच में कोई नंबर रख के। आप माइनस तीन भी रख सकते हैं, माइनस चार भी रख सकते हैं, माइनस आठ भी रख सकते हैं, लेकिन इसी डब्बा का कोई मान रखना है। हमने इसी डब्बा का कोई मान रखा, हमने रखा माइनस दो, आप माइनस चार भी रख सकते हैं क्योंकि इस डब्बा में आता है। तो उसका मान एफ डैश एक्स में रखिएगा तो निगेटिव में आएगा तो निगेटिव वैल्यू हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव आता तो पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं। उसी तरीके से चलिए अगले डब्बे को चेक करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि माइनस वन और वन के बीच, तो माइनस वन और वन के बीच में कौन कौन सी संख्या आता है? तो इसके बीच में 0.2 भी आता, 0.3 भी आता, 0 भी आता, 0.9 भी आता। तो हम किसी एक संख्या को पकड़ेंगे, किसी एक पर चेक करेंगे। तो मेरे लिए 0 आसान है तो हम 0 को पकड़े। तो यहां पे अब जहां जहां एफ डैश एक्स को चेक करना है ना, तो एफ डैश एक्स में जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रखे, इसके बीच का कोई मान रखे। तो इसके इसके बीच में 0 आता है, हमने एक्स के जगह पे 0 पुट किया तो 6 तो रहेगा ही रहेगा। अब मन में थोड़ा कर लेते हैं, एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 1, और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, फिर इंटू इंटू एक्स के जगह पे 0 और 0 माइनस 3 माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 9, एक्स के जगह पे 0, 0 में से माइनस 1 तो माइनस 1। यानी कि इसको जब आप गुना करेंगे तो पक्की बात है कि माइनस में आंसर आएगा, यानी इसके इसके बीच का क्या हो गया, माइनस वैल्यू हो गया, ठीक है, देख पा रहे हैं। चलिए अब वैसे ही अगले डब्बे की ओर बढ़ते हैं। अगले डब्बा क्या है भाई, तो वन है और थ्री है, वन है और थ्री है, तो वन और थ्री है तो वन और थ्री के बीच में कोई नंबर ले लीजिए, हमने नंबर ले लिया 2। 2 पे चेक करते हैं कि क्या होता है, तो 6 का तो 6 रहेगा इंटू एक्स के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 में 1 जोड़े कितना हुआ, 3, और 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9। एक्स की जगह पे 2 रखेंगे इस डब्बे के लिए तो 2 में से माइनस 3 गया तो कितना बचेगा, माइनस 1, और माइनस 1 का स्क्वायर 1, और 2 में से 1 गया कितना बचेगा, 1, और सबको गुना कराएंगे तो गुना करा के जो भी वैल्यू आएगा प्लस में कि माइनस में, तो पता चला प्लस में आया। अच्छा,
फिर अगले डब्बा की ओर बढ़ते हैं, तीन और अनंत के बीच, इनफाइनाइट है ना ये, तो इसमें कोई भी नंबर ले सकते हैं आप चाहे तो 10, 15, 18, 20, 23, 21, जितना भी ले सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग कम नंबर ले लिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमें चेक करना है, उसका कैलकुलेशन करना है, मान निकालना है। तो हम इतना इतना के बीच में चार आता है तो चार पे चेक कर लिया। तो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है, एक्स जहां जहां है वहां कितना रखा, चार, तो चार में एक जोड़ा, पांच, और पांच का स्क्वायर 25, चार में से तीन गया एक, और एक का स्क्वायर एक, चार में से एक गया तीन, तो गुना में तीन। अब आप इसको गुना कराएंगे तो पक्की बात है कि सबको गुना करने के बाद प्लस में आएगा, तो यहां हो गया पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो ऐसा संख्या रेखा आपको बनाना होगा। कब बनाना होगा, जब हम लोगों का गुणनखंड, यानी कि सबसे पहले तो काम करना है एफ डैश एक्स निकालना है, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन करना है। एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर हम लोगों का मान दो या दो से ज्यादा गुणनखंड के रूप में टूटे, तब हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट एक नंबर लाइन पर दर्शा के और उसके बीच में जितना भी डब्बा बनेगा, हम सभी डब्बा को चेक कर लेंगे किसके बीच प्लस किसके बीच माइनस। अब यहां पे सवाल क्या बोल रहे हैं, फोर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा, क्योंकि जिधर मुंह खुला होता है उधर तो बड़ा होता है, बड़ा। अब बड़ा कब होगा, इस संख्या रेखा को देखिए, क्या माइनस बड़ा होता है, नहीं, माइनस बड़ा होता है नहीं, प्लस बड़ा होता है, हाँ होता है, प्लस बड़ा होता है, यानी कि इसलिए इसका जो आंसर आ गया जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा यहां प्लस है, यहां प्लस है, तो वन से लेकर अनंत तक, वन से लेकर अनंत तक, तो यहां लिख दिया वन और अनंत, ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। ध्यान दीजिएगा बात को, ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, क्योंकि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू चाहिए वो जीरो से बड़ा चाहिए, तो जीरो से बड़ा कब होगा, जब पॉजिटिव वैल्यू होगा तभी ना, तो ये भी पॉजिटिव था, कहां से कहां तक पॉजिटिव था, तो वन से इधर, तीन से उधर, तो कुल मिलाकर एक से लेकर अनंत तक पॉजिटिव वैल्यू हो गया, बड़ा हो गया। अब इसी में बात करते हैं, एक आंसर तो आ गया किसके लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। अब हम लोग काम करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, यहां लिखेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, एफ डैश एक्स का वैल्यू छोटा होना चाहिए, छोटा का मतलब माइनस में होना चाहिए। देखिए कहां से कहां तक माइनस है भाई, तो माइनस इन्फिनिटी से इधर भी माइनस, याद है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक माइनस है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन तक इसका आंसर हो जाएगा। सो आंसर हो जाएगा कितना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन तक माइनस में है, इसलिए छोटा हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों का सॉल्यूशन करना पड़ रहा है, कब, जब दो से ज्यादा अगर गुणनखंड हो तब। तो छठा का ये टफ सवाल नहीं था, पहला तो ये था कि उसका डिफरेंशिएशन करो, एफ डैश एक्स निकालो, यू इंटू वी लगाओ, उसको मैंने लगाया, लगाने के बाद पता चला ये तो भाई फॉर्मूला पे आ नहीं रहा है, तो जब फॉर्मूला पे नहीं आता तो हम लोग नंबर लाइन पे भी हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किए, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सात कुछ इस तरीके से है, y बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स, और हमें क्या प्रूव करना है कि यहां पे जो x का वैल्यू होगा ना वो माइनस 1 से बड़ा होगा इंक्रीजिंग के लिए। ठीक है, इंक्रीजिंग के लिए हमें प्रूफ करना है, शो करना है कि जो x का वैल्यू होगा वो कितना से बड़ा होना चाहिए, माइनस 1 से बड़ा, यानी कि इस सवाल में हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो जो हमें y का वैल्यू दिया हुआ है, समझिए कि ये एफ एक्स दिया है, हमें एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन,
एक बार डिफरेंशिएशन, तो वहां पे एफ एक्स दिया हुआ रहता था, यहां पे वाई दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे लिखिएगा हियर, सॉरी हियर नहीं, यहां पे डायरेक्ट निकालिए डीवाई बाई डी एक्स, क्योंकि इसी को ना हम लोग बोलते हैं एफ डैस एक्स। तो डीवाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, डी लॉग वन प्लस एक्स को वन प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में, और नीचे वाला अगर ऊपर जाएगा तो वन प्लस एक्स और बटा में डी एक्स माइनस। अब इसको u बटा v में तोड़ते हैं, तो u बटा v में तोड़ते हैं तो क्या बनेगा, v का स्क्वायर यानी कि 2 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर वाले को माने हैं u और नीचे वाले को माने हैं v, पता है ना, ये u बटा v में टू ट्राई डिफरेंशिएशन, तो v स्क्वायर होता है, फिर v को बाहर करो तो यहां पे कर दिया 2 प्लस x, u का डिफरेंशिएशन यानी कि 2x बटा x, फिर होता है माइनस, u को बाहर करो तो 2x को बाहर, v का डिफरेंशिएशन तो 2 प्लस x बटा में dx। चलिए तो इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं क्या होगा, तो log x का पता है ना 1 बाई एक्स होता है, तो log 1 प्लस x को 1 प्लस x के रिस्पेक्ट में, यहां पे 1 प्लस x बन जाएगा, क्योंकि log x का क्या होता है 1 बाई एक्स होता है, तो 1 बाई 1 प्लस x इंटू, जरा इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो प्लस में है ना, तो प्लस में तोड़ेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना 0, x का कितना 1, तो कुल मिलाकर यहां 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो माइनस यहां क्या है तो 2 प्लस x हो गया, और 2x का x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो 2x को x के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा वो 2 हो जाएगा माइनस 2x, और 2 का डिफरेंशिएशन कितना तो 0, और x का डिफरेंशिएशन कितना 1, तो टोटल मिलाकर यहां पे भी 2x ही होगा, और बट्टा में 2 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे क्या बन रहा है, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस, इसको जरा 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 जा 4, 2 जा 4 प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, यहां हो जाएगा माइनस 2x बटा 2 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे क्या बन रहा है 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 2x, 2x तो कट गया, ऊपर क्या बच रहा है 4 बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये चीज तो बन रहा है, अब आप यहां पे ये देख पा रहे होंगे कि यहां पे तो गुणनखंड में नहीं आया एफ डैस एक्स का वैल्यू, गुणनखंड में तो नहीं आया, ये तो माइनस में आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, माइनस में आ तो छोड़ दीजिए, अब हम लोग इसका इसका एलसीएम भी तो ले सकते हैं। अब आप करेंगे क्या कि इसको फिर से अगेन काम करेंगे, एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आएगा देखते हैं, हमें क्या प्रूव करना है कि इतना का वैल्यू माइनस वन से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर हम लोगों ने क्या किया, एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालने के लिए इसको और इसको एलसीएम ले लिया, तो यहां बन रहा होगा वन प्लस एक्स, यहां पर बन रहा होगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कटेगा तो सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा ना, यानी कि यहां बच रहा होगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस, तो यहां भी दिया माइनस, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर जब कटेगा तो 4 को इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स, तो कुल मिलाकर अभी तक के क्या बना, जरा आप इधर मिटाते हैं, देख पा रहे होंगे चीजों को, a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर बन रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab होता है, तो प्लस 2ab, 2ab का मतलब 2 गुना 2 गुना x,
और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस चार को वन से करेंगे चार, और माइनस को एक्स से करेंगे तो माइनस फोर एक्स डिवाइड वन प्लस एक्स। फिर क्या देखेंगे तो टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि चार प्लस में है और चार माइनस में कट गया, और आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि टू टू जा फोर एक्स, यहां पे भी फोर एक्स आ रहा है और यहां पे भी फोर एक्स आ रहा है, एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो ये दोनों कटेगा। ऊपर क्या बच रहा होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमको इंक्रीजिंग के लिए क्या बोला कि इंक्रीजिंग के लिए जो हम लोगों को चाहिए वो क्या प्रूफ करना था, देख लीजिए, प्रूफ करना था कि एक्स का वैल्यू माइनस वन से बड़ा होगा, ये प्रूफ करना था। अब इसके बाद एक चीज यहां पे फोकस कीजिएगा, क्या क्या फोकस कीजिएगा, हियर हियर फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, ये तो प्रूफ करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए तो बड़ा होना चाहिए, तो तीन टर्म यहां नजर आ रहा है, तीन टर्म, एक एक्स स्क्वायर, एक वन प्लस एक्स, एक टू प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीन नजर, तीन जो गुणनखंड है यहां पे, तीन पद बोल सकते हैं नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब तीनों को बारी बारी से चेक करना है, तो यहां पे सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को चेक करते हैं इंक्रीजिंग के लिए, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आप देख पा रहे होंगे कितना पे भी चेक कर लो, चेक कर लो, एट एक्स बराबर जीरो पे, एक्स बराबर माइनस वन पे, एक्स बराबर दो पे, तो एक्स बराबर जीरो पे है तो इसका वैल्यू कितना होगा, जीरो का स्क्वायर जीरो, माइनस वन तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, दो का तो दो का स्क्वायर प्लस फोर। इसका मतलब ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ऑलरेडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ऑलरेडी एग्जिस्ट का मतलब पहले से ही सही है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, इसका वैल्यू हमेशा जीरो से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ऑलरेडी एग्जिस्ट का मतलब ये पहले से ही एग्जिस्ट है। उसके बाद उसके नीचे चेक कीजिएगा, नाउ हम अब लोग चेक करते हैं टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर को, टू प्लस एक्स के होल स्क्वायर को कि क्या ये जीरो से बड़ा आ रहा है, इसको चेक कर लो। तो एक्स के जगह पे कितना रख दो आप, एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर माइनस वन, एक्स बराबर माइनस टू, कुछ सा भी चेक कर सकते हैं आप। तो एक्स बराबर जब जीरो रखेंगे तो दो में जीरो जोड़ेंगे तो दो, और दो का स्क्वायर चार, ठीक है। माइनस वन रखेंगे तो दो में से माइनस एक गया एक, और कितना बन रहा है तो दो में से माइनस एक गया तो एक का स्क्वायर एक, यहां माइनस दो के बजाय माइनस तीन ले लीजिए, हालांकि माइनस दो पे भी कोई दिक्कत नहीं था, माइनस दो पे कितना होगा तो दो माइनस दो जीरो, जीरो का जीरो, और माइनस तीन लेंगे तो बनेगा माइनस एक, और माइनस एक का स्क्वायर प्लस एक। तो यहां पे भी देख पा रहे होंगे कि हमको तो इंक्रीजिंग बोल रहा तो जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो ए भी ऑलरेडी क्या है, एग्जिस्ट है, ये भी पहले से ही सत्य बात है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे ऑलरेडी एग्जिस्ट, यहां पर भी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, बट एक और पॉइंट बच रहा है, इसको हमने चेक कर लिया, इसको चेक कर लिया, अब इसको भी क्या होना चाहिए, तो जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो ही नाउ एक और चीज बच रहा था वन प्लस एक्स, इसको भी कितना से बड़ा होना चाहिए, जब ये भी जीरो से बड़ा है, जब ये भी जीरो से बड़ा है तो इसको भी जीरो से बड़ा होना चाहिए ना, तभी ना इंक्रीजिंग होगा। मान लिया कि भले ये दोनों जीरो से बड़ा है, लेकिन ये अगर जीरो से छोटा हो जाए तो सब तो वैल्यू छोटा हो जाएगा, इसलिए सभी खंड सभी पद को क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए।
तो इसको जीरो से बड़ा कर लिया, तो यहां पे एक्स और ये प्लस में है उधर गया तो माइनस वन। तो देख पा रहे होंगे इसके लिए एक्स का जो वैल्यू आया माइनस वन से बड़ा हो गया। यही चीजें हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो प्यारे दोस्तों कुछ इस तरीके के आज हम लोग क्वेश्चंस किए जिसमें हम लोग कुछ नई नई बातें सीखे और यही चीजें होती रहती है, यानी कि थ्योरी भी कभी कभी पढ़ा हुआ हम लोगों को काम नहीं आता है, कुछ एडवांस तरीके से कुछ और लॉजिक को समझकर हम लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप आज की क्लास को अच्छे से समझ पाए होंगे, अगर नहीं भी समझ पाए होंगे आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस है जिसको हम लोग करेंगे तो और चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये पहली मर्तबा थी। हालांकि ये इनक्वालिटीज वाला चैप्टर हम आप लोग को पहले बता चुके कि 11th क्लास में भी पढ़ना था, अगर आप मिस किए होंगे 11th क्लास को तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हम लोगों की अंदर की नॉलेज अच्छा होते जाता है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आज की क्लास को अच्छा से समझ नहीं आया, तो फिर हम अगली क्लास में और कोशिश करेंगे कि जो भी इस तरीके के क्वेश्चंस हैं उनको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करके और तोड़ तोड़ कर समझाएं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियोज में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।